हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट एग्जामिनेशंस सम बेसिक प्रिंसिपल्स यानी जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन। तो हमको यहाँ पर देखना है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन कौन सा है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन तीन दिए, चार ऑप्शन हमारे पास में है, सी एस थ्री ए बी सी डी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हो तो यहाँ पर ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। एंड उसके बाद बी ऑप्शन देखिए, तो ये जो पॉजिटिव कार्बन है यहाँ पर आप देख सकते हो, तो जो CH2 है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो किसी एक कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, करेक्ट। तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया आपका। और ऑप्शन नंबर सी में देखिए, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर है, वो कार्बन दो और कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब दो अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है यानी 2 डिग्री है, और डी ऑप्शन जो है वो आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसका रीज़न ये है कि मिथाइल ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा है, करेक्ट। तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट। तो इसको आप ये भी बता सकते हो कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल ड्यू टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ द चार्ज बाय 3 मिथाइल ग्रुप्स, यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। एंड इट कैन आल्सो बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुकेशंस, है ना, ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुकेटिव स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन भी यदि आप देखोगे तो इस केस में जो अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास ऑप्शन डी के अंदर वो 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिव भी क्या बनेगी, स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेगी, इसके लिए यहाँ पर स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ नेफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड फ्रॉम दियर मिक्सचर इज, करेक्ट। तो इसमें बेस्ट मेथड कौन सा होगा, ठीक है, आपको नेफ्थलीन को बेंजोइक एसिड से क्या करना है, सेपरेट करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो सब्लिमेशन इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट। सब्लिमेशन क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। क्यों सब्लिमेशन करेक्ट आंसर है, तो देखिए सब्लिमेशन मेथड इज यूज फॉर दोज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच पास डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट ऑन हीटिंग एंड वाइस वर्सा ऑन कूलिंग, लाइक बेंजोइक एसिड, नेफ्थलीन, कैम्फोर, एंथ्रासीन एटसेट्रा। नेफ्थलीन इज वोलाटाइल एंड बेंजोइक एसिड इज नॉन वोलाटाइल, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द डाइमर। इसके लिए इन दोनों को हम बेस्ट जो मेथड होगा हमारा सेपरेशन का वो होगा हमारा सब्लिमेशन, करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ डाईफिनाइल मीथेन जो आपको दिया है एंड इज C30H12 है, एंड हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय द क्लोरीन एटम। मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन एटम से हम हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं, करेक्ट। तो कितने पॉसिबल आइसोमर यहाँ पर बनने वाले हैं, करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर कितने बनेंगे, हम पहले देख लेते हैं कितने कितनी पॉसिबिलिटी है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन ये है हमारा, तो यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए तो ऐसा बन सकता है कि हमारी बेंजीन रिंग से CH2 कनेक्टेड है, करेक्ट। और सबसे पहले ये है कि कॉर्नर का यहाँ से एक हाइड्रोजन यदि रिप्लेस हो जाए और यहाँ पर आपका एक क्लोरीन आ जाए, करेक्ट। तो एक ऐसा आइसोमर भी क्या है, पॉसिबल होता है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए ये एक आइसोमर बन चुका है यहाँ पर, करेक्ट। एंड सेकंड जो पॉसिबिलिटी है आपकी, वो सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि अभी ये जैसे हमने ऑर्थो पोजिशन के ऊपर से इसको हाइड्रोजन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया था, तो ये ऐसा भी हो सकता है दूसरी लोकेशन पे भी हम क्लोरीन को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, करेक्ट। तो मतलब एक क्लोरीन आपका यहाँ पर भी हो सकता है, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी और देख लेते हैं, थर्ड पॉसिबिलिटी है आपकी कि जो पैरा वाली पोजीशन है वहाँ से भी आपका क्लोरीन जो है अटैच हो सकता है, तो यहाँ पर भी हम क्लोरीन हम यहाँ पर डाल देंगे, करेक्ट। तो ये आपका क्या है, थर्ड पॉसिबिलिटी है। एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी जो है आपकी वो ये है कि आपका जो बीच में जो CH2 जो कनेक्टेड है, ठीक है, जो आपका मीथेन जो कनेक्टेड है वहाँ पर से भी क्या हो सकता है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है बाय द क्लोरीन एटम, करेक्ट। तो फोर्थ पॉसिबिलिटी आपकी ये वाली है, करेक्ट। तो
तो यहाँ पर चार ही पॉसिबिलिटी है, अदर देन यदि आप कहीं भी और क्लोरीन ऐड करोगे तो आपको पहले सेकंड और थर्ड जो स्ट्रक्चर है रिपीट हो जाएंगी, करेक्ट। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, चार पॉसिबिलिटी है तो इसका आंसर होगा हमारा बी होगा, करेक्ट। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है नेम द कंपाउंड गिवन बिलो। इस कंपाउंड का हमको क्या करना है, आपस से नेम करना है। तो नेम करने के लिए हमको पहले से ही पता है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। तो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा, हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए ऐसे सीधा सीधा जो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा, करेक्ट। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया तो हम उस पर क्या करेंगे, अभी नंबरिंग करेंगे। तो नंबर करते हैं हम कहाँ से, हम करेंगे यहाँ पर लेफ्ट टू राइट, क्योंकि यहाँ पर सब्सिट्यूएंट को लॉन्गेस्ट नंबर मिल रहा है। तो ये कार्बन हमारा 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5, ये 6, ये 7 और ये हमारा क्या होगा, 8 होगा। तो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो 8 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। तो इसमें देखिए दो आपके सब्सिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हैं, करेक्ट। एक है आपका मिथाइल ग्रुप और दूसरा है आपका इथाइल ग्रुप, करेक्ट। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे। तो इसका मतलब क्या होगा, 4 इथाइल, ठीक है, एंड 3 पे मिथाइल है और उसके बाद में 8 कार्बन है, तो ऑक्टेन इसका क्या होगा, नेम होगा। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा, 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग इज। तो ये कंपाउंड दिया गया है, इसका हमको आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा रूल जो है वो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में देखिए ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। अब यहाँ पर हमको नंबरिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एल्काइन भी है और एल्कीन भी है। तो जब दोनों की पोजिशन सेम होती है तो एल्कीन को प्रायोरिटी पहले दी जाती है, करेक्ट। यानी नॉमेनक्लेचर नंबरिंग जो है वो एल्कीन के हिसाब से करेंगे, लेकिन नेम जो है वो आयन के हिसाब से करना है, करेक्ट। जो फंक्शनल ग्रुप जो प्रायोरिटी ऑर्डर में, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड से पहले आता है। तो नॉमनक्लेचर जो नेम है वो आयन के हिसाब से करना है, बट नंबरिंग जो है वो आपके इन पहले आएगा। तो यहाँ पर आपका ये फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकेंड नंबर है, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ और ये सिक्स। तो यहाँ पर हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो 6 नंबर का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। तो इसके हिसाब से देखिए 1 पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है तो 1 पे इन आना चाहिए, और 5 पे जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो 5 यहाँ पर आइन आना चाहिए, करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो यानी वन हेक्सीन एंड 5 आइन, करेक्ट। तो ये हमारा था करेक्ट आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द इनकरेक्ट आईपीएससी नेम इज। तो इसमें हमको ये देखना है कि इनकरेक्ट कौन सा है, करेक्ट। तो देख लीजिए वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लिया, फर्स्ट ऑप्शन हम ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जब नॉमनक्लेचर करेंगे तो हमारा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लॉन्गेस्ट नंबर आना चाहिए, तो यानी 1, 2, 3 एंड 4 ऐसा होना चाहिए। तो यानी 4 पे 2 नंबर पे आपका कीटोन आना चाहिए, यानी यहाँ पर 3-ब्यूटेनॉन लिखा हुआ है जो कि क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग जो है वो गलत तरीके से किया हुआ है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट। बाकी के भी हम चेक कर लेते हैं, करेक्ट। बाकी का देखिए चेक करोगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन तो यहाँ पर कौन सा होगा हमारा, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, करेक्ट। तो ये हमारा क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, करेक्ट। इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में फिर हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग किससे करते हैं, तो यहाँ पर हमारा होगा राइट टू 1, 2, 3, यानी 1, 2 लेफ्ट टू राइट होगा, क्योंकि ये 2 नंबर पे आ रहा है, 1 3 नंबर पे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा यहाँ पर नंबरिंग है वो एकदम करेक्ट है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, करेक्ट। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। सिमिलरली हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, तो उसमें भी क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पर 2 पे क्या आएगा आपका, पेंटाइन लिखा हुआ है, और 4 पे आपका क्या हो जाएगा, एक देखिए CH3 होल ट्वाइस है तो वहाँ पर एक CH3 क्या है, एक्स्ट्रा है, मतलब 4 पे क्या होगा आपका, मिथाइल होगा। तो ये भी क्या है आपका, करेक्ट है। एंड ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो भी क्या है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी हमारा क्या है, करेक्ट है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 नंबर पे क्लोरो आता है और 3 नंबर कार्बन पे ब्रोमो है, जबकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 3 ब्रोमो 2 क्लोरो एंड ब्यूटेन दिया हुआ है, मतलब क्लोरीन को जो है
वो कितना नंबर आया है, 2 आया है, और ब्रोमीन को कितना नंबर मिला है, 3 मिला है। तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो आपको सिर्फ इनकरेक्ट ढूंढना था, तो द इनकरेक्ट आईपीसी नेम क्या होगा इसका, 2-methyl-3-butanone जो है वो रॉन्ग है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है A1। उसका देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, इन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टोलुइन द प्रेजेंस ऑफ टोलुइन इन वेपर इज। तो जब आप स्टीम डिस्टिलेशन करते हो, करेक्ट, तो इन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टोलुइन द प्रेशर ऑफ टोलुइन इन वेपर इज, तो वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, ये तो आपका थंब रूल है कि लेस देन प्रेशर ऑफ द बोरोमीटर। तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो लेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज इन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टोलुइन द प्रेशर ऑफ टोलुइन इन वेपर इज लेस देन प्रेशर ऑफ बोरोमीटर बिकॉज इट इज कैरिड आउट व्हेन ए सॉलिड और लिक्विड इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज वोलाटाइल विद स्टीम बट द इम्प्योरिटीज आर नॉन वोलाटाइल। इसके लिए क्या होगा, लेस देन द प्रेशर ऑफ बोरोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो टोटोमेरिज्म शो करता है, करेक्ट। तो टोटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर है वो है हमारा ऑप्शन है बी ऑप्शन, यानी हमारा बी ऑप्शन है मतलब नाइट्रो एल्केन, करेक्ट। तो नाइट्रो एल्केन जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपका टोटोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। तो होता क्या है इसमें, देखिए टोटोमेरिज्म में क्या होगा, तो टोटोमेरिज्म में दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है इन विच बोथ द आइसोमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई वन एंड द सेम सब्सटेंसेज एंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम एंड इट इज एग्जिबिटेड बाई नाइट्रो एल्केन एंड आइसोनाइट्रो एल्केन। तो बाकी सब ऑप्शन जो है हमारे वन नंबर ए सी आर डी, ये इसमें जो है वो आपके टोटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग बेंजोइक एसिड, आइसोएमाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेनॉन। मतलब आपके पास डिफरेंट कंपाउंड दिए गए हैं, करेक्ट, और आप ये सभी क्या है जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स हैं, किसी में अल्कोहल है, किसी में बेंजोइक एसिड है, करेक्ट, किसी में साइक्लोहेक्सेन है, किसी में कीटोन है, और इनको किस टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये आपको बताना है टेक्निक। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, करेक्ट। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों होता है, बिकॉज इन द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी ईच फंक्शनल ग्रुप्स अपीयर एट ए सर्टेन पीक। मतलब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका क्या होगा, हर जगह पीक जो है वो डिफरेंट आपका उस पर आएगा। सो साइक्लोहेक्सेनॉन कैन बी आइडेंटिफाइड बाई कार्बोनिल पीक, करेक्ट। तो साइक्लोहेक्सेनॉन जो है वो आपका क्या होगा, कीटोन है, और उसको कार्बोनिल जो पीक है उससे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द आईपीसी नेम ऑफ CH3 होल ट्वाइस CH-CH2 एंड CH2Br इज, करेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कर लेंगे, पहले ओपन कर लेंगे, यानी ये ऐसा है CH3 देन CH, यहाँ पर भी आपका क्या है CH3 है, देन CH2 एंड देन CH2 देन Br, करेक्ट। तो इसमें हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, तो यू नो दैट सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा स्ट्रेट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। उसके बाद में हम क्या करते हैं, नंबरिंग डालेंगे, करेक्ट। तो जब नंबरिंग डालते हैं तो नंबर हमारा कहाँ से होगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होगा। तो हमारा नंबर जो होगा वो क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, ठीक है। क्यों होगा राइट टू लेफ्ट, बिकॉज ब्रोमीन को जो है फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन को जो है वो क्या होगा, कम नंबर मिल रहा है। तो मतलब आप राइट टू लेफ्ट करोगे तो वहाँ से नंबर आपका क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। तो 1, 2, 3 एंड 4, करेक्ट। तो इस केस में आप देख सकते हो 1 पे आपका ब्रोमो होना चाहिए, 3 पे आपका मिथाइल आ रहा है, करेक्ट। तो इसके हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस कंपाउंड का आईपीसी नेम क्या होगा, 1-bromo-3-methyl-butane। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो द नंबर ऑफ आइसोमर इन C4H10O विल बी, यानी यहाँ पर आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स देखने हैं कि कितने आइसोमर्स हैं, करेक्ट। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से आइसोमर पॉसिबल हैं यहाँ पर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा, हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला आइसोमर हो सकता है CH3CH2O एंड CH2 एंड CH3, ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड हो सकता है, करेक्ट।
दूसरा आइसोमर और क्या हो सकता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा हमारा ये हो सकता है CH3 O CH2 CH2 एंड CH3, दूसरा हमारा ये हो सकता है, तीसरा हमारा हो सकता है CH3 O CH then CH3 then CH3, तीसरा हमारा ये हो सकता है, करेक्ट। एंड फोर्थ वन हमारा क्या हो सकता है, फोर्थ वन देखिए सीधा स्टेट भी कर सकते हैं CH3 CH2 CH2 एंड CH2 OH, मतलब ये अल्कोहल भी हो सकता है, करेक्ट। तो उसके बाद और भी अल्कोहल हो सकता है कि अभी OH की पोजीशन को हम चेंज कर देंगे, यानी CH3 CH2 CH then OH then CH3, तो फिफ्थ हमारा कंपाउंड ये हो सकता है। एंड सिक्स जो पॉसिबिलिटी है वो ये है CH3 CH CH3 एंड CH2 OH, ये हमारा क्या है, सिक्स पॉसिबिलिटी है। और लास्ट जो पॉसिबिलिटी है हमारी सेवन्थ पॉसिबिलिटी, वो ऐसा भी हो सकता है 3 डिग्री अल्कोहल, यानी CH3 CH3 एंड CH3 एंड देन बीच में क्या हो, OH हो, करेक्ट। सॉरी यहाँ पर हमारा OH हो, करेक्ट है, ये 3 डिग्री हो गया हमारा। तो ये सेवन पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बचती नहीं है। तो द नंबर ऑफ आइसोमर इन C4H10O कितने होंगे, 7 होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड देर इज मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp sp2 sp3, फोर कार्बन। तो यहां पर सिर्फ हमको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। तो देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो देखिए यहां पर तो हमारा जो करेक्ट आंसर है जो sp sp2 और sp3 होना चाहिए, तो हम फर्स्ट से चेक कर लेते हैं ऑप्शन वन में। तो ये देखिए ये हमारा कार्बन जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड, तो sp2 होगा, अगला कार्बन भी sp2 है, नेक्स्ट कार्बन भी क्या है आपका sp2 है डबल बॉन्ड से कनेक्टेड, और लास्ट वाला भी sp2 है, मतलब इसमें सभी जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज हैं। तो सारे कॉम्बिनेशन इसमें नहीं है sp sp2 और sp3। अब सेकंड नंबर में देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, देन sp और sp, तो सेकंड ऑप्शन में ओनली sp है। एंड थर्ड ऑप्शन में देखिए सारे जो सिंगल बॉन्ड है मतलब CH3 CH2, तो सभी जो हैं कार्बन वो क्या है sp3 हाइब्रिडाइज है। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास बच जाता है ऑप्शन नंबर डी, उसमें भी चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट कार्बन जो है आपका, ठीक है, फर्स्ट कार्बन जो है आपका sp3 हाइब्रिडाइज है क्योंकि सभी सारे सिंगल बॉन्ड है। सेकंड कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो sp2 कैटेगरी में आएगा। थर्ड कार्बन भी किस में आता है, sp2 कैटेगरी में आएगा। और लास्ट वाला कार्बन फिर से किस में आ जाता है, sp3 में आ जाता है, करेक्ट। तो आपको बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले में देखो वन काइंड है, sp2 है, सेकंड वाले में भी वन काइंड है मतलब sp है, और थर्ड में भी वन ही काइंड है मतलब sp3 है। और डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसमें sp3 भी है और sp2 भी अवेलेबल है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा D1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो द IPC नेम ऑफ द कंपाउंड, करेक्ट, इस कंपाउंड का हमको क्या करना है, IPC नेम लिखना है, करेक्ट। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हो तो यहाँ पर हमका फंक्शनल ग्रुप देखिए सी डबल बॉन्ड OH भी है और NH2 भी है और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आया हुआ है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है, तो उस कार्बन को लेकर के हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्रिएट करेंगे, करेक्ट। नंबरिंग की बात आती है कि नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको 1 देंगे, फिर देन 2 आएगा, देन 3 आएगा, देन 4 5 6 और 7, करेक्ट। तो 7 का जो होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। तो आप इस हिसाब से आप सबसे पहले आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूएंट को लिखोगे। तो इस सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले 3 पे देखो क्या है, एमिनो लिखा हुआ है, करेक्ट। तो 3 हमारा एमिनो होगा और 5 नंबर पे हमारा इन आ रहा है, करेक्ट। तो हमारा इन आएगा मतलब हमारा हेप्ट होता है 7 नंबर पे, तो हेप्टीन आएगा और उसके बाद में ओइक एसिड आएगा। तो इसके हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, करेक्ट आंसर होगा हमारा फर्स्ट वन, यानी 3 एमिनो 5 हेप्टेनोइक एसिड, करेक्ट। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2-methyl-2-butene विल बी रिप्रेजेंटेड एज। तो आपको इसमें ये बताना है कि 2 आपका मिथाइल एंड 2-butene
मतलब आपका 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आना चाहिए और 2 नंबर पे एक CH3 भी कनेक्टेड होना चाहिए। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करोगे करेक्ट, तो सिलेक्शन करने के बाद देखिए आपका डबल बॉन्ड जो है वो आपकी सेकंड पोजीशन पे मिल रहा है। नंबरिंग जो आपकी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट होगा, यानी 1, 2, 3 एंड 4। तो इस कंडीशन पे 2 पे क्या आपका मिथाइल आ रहा है और 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो ब्यूट 2 इन भी हो जाएगा करेक्ट। तो 2 मिथाइल डैश 2 ब्यूटीन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का भी हमको IUPAC नेम बताना है। तो यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहले वो देखेंगे। तो आपका देखिए एक CHO फंक्शनल ग्रुप है, एक आपका डबल बॉन्ड भी आया है और एक आपका OH भी है करेक्ट। तो लेकिन फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी यदि आप बात करोगे तो CHO को प्रायोरिटी सबसे पहले मिलेगी। तो CHO को हम कंसिडर करते हुए सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का क्या करेंगे, सेलेक्शन करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा करेक्ट। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद आपका नंबरिंग करना है। नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को यानी CHO को 1 नंबर मिलेगा, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5। तो यहाँ पर 5 कार्बन का हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट 2 प्लेस पे सब्स्टिट्यूएंट है, 2 नंबर पे मिथाइल है एंड 4 नंबर पे OH है। तो इसके हिसाब से हमारा करेक्ट जो नेम होगा वो क्या होना चाहिए, B1, यानी 4 पे हाइड्रोक्सी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आपको लिखना है। तो क्या होगा, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल करेक्ट एंड पेंट 2 इन और डैश 1L करेक्ट। तो ये हमारा क्या होगा, IUPAC का करेक्ट नोमेनक्लेचर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H10। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम फ्रॉम वन एंड टू द चेन टू द अदर आर रेस्पेक्टिवली sp3, sp2, sp3, sp2, sp2, sp and sp। द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन वुड बी करेक्ट। तो आपको इस हाइड्रोकार्बन का बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा होगा वो फाइंड आउट करना है करेक्ट। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले आपका sp3 बताया गया है करेक्ट, sp3। तो सबसे पहले sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो आपका देखिए, आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कैसे, आप देख सकते हो ये पहला कार्बन का जो है वो sp3 होगा, अगला कार्बन आपका sp2 होना चाहिए। तो देखिए डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो ये आपका sp2 होगा, अगला कार्बन फिर से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो sp2 होगा, उसके बाद सिंगल है तो sp3 होगा, उसके बाद भी क्या है, डबल बॉन्ड आ गया है फिर sp2 हो जाएगा, अगले बार भी कार्बन भी sp2 होगा और उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, sp होगा और लास्ट कार्बन भी क्या होगा, आपका sp होगा। तो ये आपका क्या है, करेक्ट सीक्वेंस है। पहले sp3 आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर, पहले sp3 है फिर उसके बाद sp2, sp2, sp3, sp2, sp2, sp and sp है। तो इसके हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स नीट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, और अगले लेक्चर में हम कुछ और ऐसे ही एग्जाम्पल लेंगे जो PYQ से रिलेटेड होंगे नीट एग्जामिनेशन से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।